बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म छिछोरे रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और गाने रिलीज होने के बाद से ही फिल्म चर्चाओं में बनी हुई थी। फिल्म के रिलीज होने का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म की कहानी तनाव में जी रहे युवाओं को बड़ा मैसेज देती है। आज देश की सच्चाई यह है कि वो युवा जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, वो स्ट्रेस और तनाव में जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें अपने करियर को लेकर तनाव है, वो इस नाकामयाबी को सहन नहीं कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह अनिरुद्ध और माया की जिंदगी पर आधारित है, जो दोनों शादी करते हैं लेकिन बाद में उनका डाइवोर्स हो जाता है। दोनों समय अजीब स्थिति में फंस जाते हैं, जब जिसे जानने के लिए आपको खुद थिएटर जाकर ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी यंगस्टर्स को एक इम्पैक्टफुल मैसेज देती है। वैसे आपको बता दें, E24 की टीम ने फिल्म के स्टार कास्ट को अंधेरी के सिनेपोलिस में कैप्चर किया और फिर हम जा पहुंचे दर्शकों के बीच ये जानने के लिए ये फिल्म उनको कैसे लगी। रियली गुड, बहुत ही फन थी, एंटरटेनिंग एंड इमोशनल एट द सेम टाइम, एंड मैसेज भी काफ़ी अच्छा था। तो उन दोनों की भी काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिंग कास्ट का भी उतना ही हाथ था, लाइक सबको इक्वल स्क्रीन टाइम मिला तो सब लोग थे, मतलब ऐसे लग नहीं लग रहा था ये हीरोइन, एवरी वन वॉज देयर, लाइक ऑल द फोर ओवरऑल, एंड द मैसेज वॉज वेरी गुड एंड सटल वे में दिया गया एंड बहुत अच्छा था, लाइक पूरी मूवी एंटरटेनिंग थी, सो आई कॉन्ट पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर पार्ट। आपको कॉलेज डेज याद आ गए? एकदम, टोटली लाइक इट वाज रियली गुड मूवी, रियली गुड। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना? 4। सर, जस्ट आपने छिछोरे मूवी देखी तो कैसी लगी? छिछोरे मूवी ऑसम थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, मूवी का कंसेप्ट अच्छा था, सब्जेक्ट अच्छा था, तिवारी जी से जैसी उम्मीद थी वैसी ही इन्होंने चीज दी है, तो मजा आ गया मूवी को देख के। वरुण शर्मा एज यूजुअल जो मिस्टर चूचा जी हैं, उन्होंने एज अ सेक्सर बहुत अच्छा किया है, और उनकी टाइमिंग के साथ बोला जाए तो सभी की टाइमिंग अच्छी लगी, मम्मी का भी बहुत अच्छा लगा है, और ये सब चीज़ अच्छी लगी। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और उनका स्टोरी का जो कंसेप्ट है वो बहुत औसम है, जो उनसे उम्मीद की जाती है आज तक, तो मुझे बहुत मजा आया तिवारी जी की मूवी देख के। हाँ यार, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी आया हूँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत याद कर रहा था मूवी देख के, मतलब हर किसी को देखना चाहिए, अपने दोस्तों को जरूर याद करेगा। ठीक है, नॉट वेरी अप टू द मार्क, जितना सोच के आए थे कि 3 इयर्स का पार्ट 2 होगा वैसे नहीं, मतलब सुशांत जमा नहीं रोल में, मतलब श्रद्धा वॉज गुड, वरुण वॉज गुड एक्चुअली, वरुण शर्मा इज वो है तो पिक्चर में जाने थोड़ी। ओके, नीतीश तिवारी की डायरेक्शन के बारे में क्या कहना? डायरेक्शन अच्छी है, हाँ, दंगल इज अ डिफरेंट मूवी, उससे कंपेयर आप मत करो उसको। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना? 3 स्टार्स। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी ये मूवी होगी, क्योंकि इससे पहले और भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट लाइफ के ऊपर मूवीज बनी है, 3 इडियट्स और ये, तो मैं ये कुछ एक्सपेक्ट करके आया था क्योंकि मेरा फ्रेंड ने इंसिस्ट किया मुझे, बट जब मैं फिल्म देखने आया तो मैं मतलब काफ़ी माइंड ब्लोइंग फिल्म थी और इतनी ऑसम फिल्म थी कि मैं काफ़ी कुछ लेके जा रहा हूँ इस मूवी को देखने के बाद अपने साथ में। पेयरिंग की बात करें तो सुशांत और श्रद्धा की कैसी लगी आपको? हाँ, पेयरिंग ये उनकी फर्स्ट पेयरिंग थी, जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये उनकी फर्स्ट पेयरिंग है, बट उनकी फर्स्ट पेयरिंग लग नहीं रही है, केमिस्ट्री और बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, और आई थिंक वरुण शर्मा और जितने भी नए एक्टर्स आ रहे हैं ये लग ही नहीं रहा है कि उनकी पहली फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, दंगल में काफ़ी जो वो सब्जेक्ट्स जो चूज़ करते हैं और जिस तरह के तथ्य वो लेके आ रहे हैं पब्लिक के सामने, वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है और काफ़ी कुछ सीखने जैसा है उनकी फिल्मों में। दंगल, इनफैक्ट मैं जब दंगल देखने के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब वो अपनी नेक्स्ट फिल्म लेके आए, तो आज देख ली, ये एक्चुअली उन्हीं के डायरेक्टर की वजह से ही मैं आया था फिल्म देखने के लिए, नितेश तिवारी जी का काम देखने के लिए। कुछ याद आए? बिल्कुल, हर एक सीन में मैं अपने कॉलेज डेज से रिलेट कर पा रहा था और कैसे मेरे कॉलेज डेज रहे और हमने धमाल मस्ती किस, वो लेवल इसी तरीके का होता है कॉलेज, इनफैक्ट जो लोग कॉलेज जा रहे हैं उन लोग ये फिल्म देखें और मेंटली प्रिपेयर हो जाए अपने कॉलेज डेज को, यू नो, जीने के लिए, वो उनके लाइफ के सबसे बेहतरीन खूबसूरत 4 साल होने वाले, जो फिल्म भी बताता है हमको। 5 आउट ऑफ कितना? 5.15। अमेजिंग मूवी।
ओके पेयरिंग की बात करें, श्रद्धा और सुशांत की कैसी लगी आपको? सिर्फ श्रद्धा और सुशांत की पेयरिंग नहीं है, इसमें जो सब थे उन सबकी पेयरिंग बहुत अच्छी है, एंड इसमें सभी जो लीड हैं सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। ओके कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो वरुण शर्मा की कैसी लगी? अमेजिंग, वो तो भाई कॉमेडी के मास्टर हैं, तो उनकी तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया। ओके नीतीश तिवारी की डायरेक्शन कैसी लगी दंगल के भाई उनकी दूसरी? यस, दंगल भी अच्छी थी और सेम उनकी जो क्वालिटी है वो इसमें भी उन्होंने दी है, तो अमेजिंग अमेजिंग फिल्म, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बहुत अच्छा था। ओके मूवी देखने के बाद कॉलेज डेज कुछ याद आ गए आपको? सब बिल्कुल याद आया, दो एकदम सेम नहीं थे, बट हाँ जैसे फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह होती है वो जनरली सेम होता है। ओके पार्ट ऑफ कितना चाहते थे? 5। थैंक यू। ओके जस्ट सर, आपने छिछोरे मूवी देखी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। केमिस्ट्री की बात करें तो श्रद्धा और सुशांत पहली टाइम आ रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो कैसी लगी? बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परफॉर्म कर रहे हैं या ऐसा कुछ कमी उसमें नहीं लग रही थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी उनके बीच में। इनफैक्ट दो जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि परफॉर्म कर रहे हैं। सुशांत। ओके कॉमेडी की बात करें तो वरुण शर्मा की कैसी लगी? बहुत अच्छी है, अरे टाइमिंग बहुत कमाल की टाइमिंग है, इनफैक्ट सारे कैरेक्टर एक्टर्स के पास ऐसी लाइंस हैं, ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे यू नो एवरी लाइन विद एवरी लाइन यू गेट लाफ्टर आउट ऑफ यू नो पीपल वर क्लैपिंग इनसाइड, सो इट्स लाइक दैट। या इट्स टू गुड, सो गुड, मतलब शुरू से आखिरी तक मैं कहीं बोर नहीं हुआ, मुझे ये नहीं लगा कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, आई वॉज कैप्टिवेटेड ऑल द टाइम, स्टोरी वॉज अनफोल्डिंग स्लोली ग्रेजुअली एंड द क्लाइमैक्स वॉज सो सुपर, मतलब मेरी तो आंखें खुल गया था हो गया। 5 डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। सर तो आपने जस्ट नाउ छिछोरे मूवी देखी कैसी लगी आपको? छिछोरे इट्स अ माइंड ब्लोइंग मूवी, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं, जब हॉस्टल लाइफ कॉलेज लाइफ जीते हैं तो फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं, बहुत ज़्यादा देर उन लोगों के साथ हम बिताते हैं, तो वो चीज़ याद आ गई ये फिल्म देख के, वो जनरेशन याद आ गई जो हम यंग थे कॉलेज में, क्या क्या छिछोरेपन करते थे एंड स्पेशली लव प्यार, वो चीज़ बहुत बहुत याद दिलाई वो चीज़। ओके परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रद्धा और सुशांत की केमिस्ट्री कैसी लगी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं? हाँ सब बहुत उनको 70s स्टाइल में दिखाया गया उन लोगों को, जैसे कि श्रद्धा कपूर इज लुकिंग डैम क्यूट, ये गेटअप में बहुत क्यूट लग रहे हैं वो, एंड नितेश तिवारी ने उन लोगों के किरदार में जान डाल दी, इन जो डायरेक्ट किया है इन दोनों ने जान डाल दी उसमें, बहुत बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, बहुत प्यारा केमिस्ट्री है, कोई झगड़ा नहीं वगड़ा नहीं, बहुत प्यारा केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा। हाँ याद आ गई, स्पेशली जो छिछोरे होते हैं उनके साथ जो भी किया है उनके साथ पिटे, उनके लिए पिटे, और स्पेशली प्यार, जो प्यार लव किया था शायद कुछ देर हो टेम्परर हो टेम्पररली हो, बट याद आ गए वो दिन। ओके 5 out of 5, थैंक यू। ओके सो जस्ट नाउ आपने छिछोरे मूवी देखी कैसी लगी? सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। ओके केमिस्ट्री की बात करें तो श्रद्धा सुशांत की कैसी लगी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आ रहे? हाँ बेशक वो फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आ रहे बट जो उनकी केमिस्ट्री थी वो सॉलिड थी, कि हाँ स्टार्टिंग में ये दिखा रहे कि वो अलग हुए हैं डिवोर्स हो चुका है, और उसके बाद जो उनके फ्रेंड्स आते हैं और आगे उनको इकट्ठा करते हैं एज एन जो उनके इमोशंस होते हैं वो वापस उनको पैचअप करवाते हैं, और सुपर्ब थे। हाँ कुछ एक दो पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा वीक जा रहा है बट उसके बाद कंटिन्यू रनिंग में था, सुपर्ब। ओके नीतीश तिवारी की डायरेक्शन कैसी लगी दंगल के बाद ये उनकी दूसरी? एक्चुअल में जो उनका स्टोरी गाइडलाइंस था वो प्रॉपर एकदम सुपर्ब था, क्योंकि एक प्रॉपर लहजे में स्टोरी चलना बहुत ज़रूरी है और वो चल रहा था, क्योंकि आप एज एन ये होता है ना कि ऑडियंस को बांध के रख लेना, तो उन्होंने ऑडियंस को बांध के रख लिया, आप इंटरवल में भी नहीं उठ के जा रहे कभी, आपका भाई एक मिनट का भी ना छूट जाए, तो मैं इंटरवल भी नहीं छोड़ के गया वहाँ से। ओके 5 out of 5। सर तो आपने जस्ट नाउ छिछोरे मूवी देखी कैसी लगी? अच्छी लगी। ओके रिव्यू की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रद्धा सुशांत की कैसी लगी आपको? अच्छी है, उससे भी अच्छी वरुण शर्मा की है। ओके नीतीश तिवारी की डायरेक्शन के बारे में क्या कहना? डायरेक्शन अच्छा है, दंगल से अलग है लेकिन सब्जेक्ट अलग है, अच्छा है। ओके सब्जेक्ट की बात करें क्या आपको लगता है कि लोगों के दिलों